हल्द्वानी के वार्ड 37 के निवासियों को पानी की समस्या से गुजरना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि लाइन मैन से लेकर सारे अधिकारियों से पेयजल लाइन दुरुस्त करवाने और पानी की समुचित व्यवस्था करवाने की अपील कर चुके हैं। कई बार अधिकारियों को ज्ञापन और मौखिक रूप से भी मामले से अवगत करा चुके हैं, पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। भाई साहब देखिए, हम तो 2017 से पानी के लिए बहुत परेशान हैं और कंप्लेंट है काफ़ी कर चुके हैं। काफ़ी कंप्लेंट करने के बाद कुछ दिन समाधान मिलता है, फिर समाधान नहीं मिलता है। मैं ये देख रहा हूँ कि हल्द्वानी जैसे स्मार्ट सिटी में रहने के बाद हम लोगों का ये हाल है, तो पहाड़ में जो लोग दूर दराज इलाकों में रहते हैं उनके साथ क्या होता होगा। हम तो फिर भी आके यहाँ डिपार्टमेंट में चलो समस्या रखे हैं, वो बेचारे तो अपनी समस्या किससे गए। यहाँ के निजी एक्शन साहब को, जेई साहब को और जो पानी खोलता है लाइनमैन पंकज, उसको भी कई बार हमने समस्या का सामना मतलब सामने रखी उसके, पर कोई सुनवाई नहीं होती है। पानी टाइम टू टाइम नहीं खोलेगा, लाइट चली जाएगी, लाइट के आने के बाद भी नहीं खोलेगा, रात के 7-7 बजे तक पानी खोल रहा है। वहाँ के अंधेरे में हम जंगल में बैठे रहेंगे, लाइन सारी लाइनें टूटी पड़ी हैं, वहाँ पे कोई सुनता ही नहीं। और हमारे वार्ड 37 मल्ला चौफुला में जल संस्थान के अधिकारियों को इतनी बार सूचित किया गया है कि यहाँ पर पानी का लीकेज है और पानी ओवरफ्लो होता है और अवैध कनेक्शन है। इसको लेकर हम लोग कई बार शिकायत भी कर चुके हैं, लेकिन अफसरशाही की वजह से हमारे क्षेत्रवासियों की समस्या का समाधान आज तक नहीं हो पाया है।